सहयोग से कोई काम होता नहीं है। हम यहाँ से सर जो ईद की गाइडलाइन सर आज नमाज पढ़ी गई, क्या गाइडलाइन सर जो मिलेगी? देखिए जैसा कि आपको पता है ईद का त्यौहार, तो हमारा जो थाना और ज़्यादा जो पूरे जनपद का हमने जो जहाँ पे भी ईदगाह और जो मस्जिदों पे नमाज पढ़ी जानी है वहाँ पे पोस्ट लगाया गया है। ये तहसील जो हमारा जो सदर है वहाँ ललितपुर में ईदगाह पर भी आप देख रहे होंगे कि शांतिपूर्वक सब कुछ है, हमारा पोस्ट भी लगा हुआ है और सभी को जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके बारे में पहले से अवगत कराया गया था। सभी के द्वारा मीटिंग भी गई थी, हमारी पीस कमेटी की मीटिंग जो जनपद स्तर की वो भी हो गई थी और थाना स्तर की भी सभी मीटिंगें हो चुकी थी, तो सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया भी गया। साथ ही साथ ये भी सभी से अनुरोध किया था कि जो क्योंकि ये बकरीद का त्यौहार है तो इसमें कुर्बानी दी जाती है, तो कुर्बानी जो पब्लिक प्लेस पर ना करें और अपने घरों पर ही करें ताकि किसी को मौका ना मिले किसी बात को कहने के लिए। तो सभी से अनुरोध भी किया, बहुत सारे लोगों ने माना भी है और यहाँ पे हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, तो ये आगे हम लोग यही करते हैं कि हम शांतिपूर्वक ही रहें और सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।